बड़ा नहीं सोच पाते। समझा पा रहा हूँ नहीं समझा पा रहा हूँ? तो जो होता है सब अच्छे के लिए होता है, जो हुआ सब अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा, जो होगा अच्छा होगा। 111, मुझे मेरा टारगेट बड़ा क्लियर है, इसमें आप अपने आप को फिट रख पाती हैं कि नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है। जैसे 2014 में मोदी लहर था, कितने लोग जीत गए वैसे ही उनका नाम भी नहीं पता वहां के लोगों को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 111 बटेगा। अब आप अपने आप को कितना स्थापित कर पाते हैं, कितना आगे लेके आ पाते हैं, मौका दोबारा मिलेगा नहीं जान लीजिएगा। इसके बाद 1111 गाड़ी बाटी होगा, लेकिन ये नहीं फैसिलिटी। वो कहते हैं ना फैसिलिटी, जैसे इस बार बोल रहा हूँ कि 2023 में आपको करोड़पति बनाऊंगा, तो डन बनाऊंगा, लिखित में ले लीजिएगा, 100% बनेंगे आप। अब जिसके पास, जो मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि जो लोग 6 महीना 9 महीना, जो लोग 90 दिन 100 दिन से मेरा ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको यकीन होना चाहिए कि हाँ, अगर ये आदमी बोल रहा है कि 2000 अगर मैं कार ले ली तो 2023 में मैं करोड़पति बन जाऊंगा, तो उनको यकीन होना चाहिए। नहीं हो रहा है तो इसका मतलब उनको अपने आप पे और अपने भगवान पे यकीन ही नहीं है। समझा पा रहा हूँ आपको? अगर मैं बोल रहा हूँ कि जितने लोग कार ले लिए 2023 में करोड़पति बनेंगे, डन श्योर, ये भी बोला हूँ। क्या बोला हूँ? कि जितने लोग कार लिए वो लोग करोड़पति बनेंगे, नहीं तो मैं एक बाप का औलाद नहीं। तो बड़ी सोच समझ के बोलता हूँ, बहुत सोच समझ के बोलता हूँ, बहुत हजार बार कैलकुलेशन करता हूँ, हजार बार, तब जाके कोई चीज बोलता हूँ। ऐसे नहीं हवा हवा में उठे, रात को सोए सवेरे उठे बोल दिए, ऐसा नहीं है। जब भगवान बोलता है बोलो तब बोलता हूँ, पूछता हूँ। जैसे एक लोग थी, क्या नाम है, रेखा मौर्या करके, गाजियाबाद फरीद।